शान में उसकी मखलूकात जिस जिस अंदाज से जिस जिस तरीके से उसके साथ शिर्क का इंतकाम करती है, उन तमाम शिर्कियात से, उन तमाम शिर्क के तरीकों से वो अल्लाह तबारक व तआला साफ पाक मुनज्जह और मुबर्रा है। तमाम उयूब से बिल्कुल वो पाक साफ है। और यही असल ईमान की कसौटी है, यही असल तौहीद की जड़ है, और यही असल बुनियाद है अपनी देखिए मजबूती की। एक ईमान वाले का, एक बंदे मुमिन का, एक बंदी का अल्लाह तबारक व तआला के कहीं ईमान इस कदर मजबूत हो कि वो अल्लाह उसके रसूल पर बगैर किसी शक शुबे के ईमान लेकर आए, बगैर देखे ईमान लेकर आए। युमिनून बिलगैब, आंखों से देखा नहीं, उसका तजर्बा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उस बारे तआला के अहकाम, उसके फरामीन, उसकी कुदरत, उसके इख्तियार, उसके सारे मामला तो किस कदर बुलंद है, कैसी ताकत वाला है, कैसी कुवत वाला है, कैसी कुदरत वाला है, कैसी इख्तियार वाला है, जो चाहे वो कर दिखाए, जिस तरीके से चाहे, जैसे चाहे अपने बंदों को उसे अता फरमाए, और जिसकी चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे उसके रोजियों के दरवाजे को बंद कर दे, और जिस पर कादिर है बगैर सुने, सिर्फ कुरान की में पढ़कर उसको समझकर उस पर ईमान ले आना, ये उम्मीद में बदल दे। और यही फरमाए कि तमाम आमाल में सबसे अफजल तरीन अमल कि अल्लाह उसके रसूल पर बगैर किसी शक व शुबे के ईमान ले आना। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ने कहा कि नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाने पिलाने वाला, उनके दुख दर्द को तकलीफों को दूर करने वाली जात सिवाय अल्लाह तआला के कोई दूसरा नहीं, वही हर किस्म की इबादतों के लायक है, वही औलादों का अता करने वाला है, वही तरक्कियों का अता करने वाला है, वही सारी दुनिया बनाने वाला है, वही मंजिलों तक पहुंचाने वाला है, वही हिदायत नसीब करने वाला है, वही रोजियों का अता करने वाला है। इस चीज को दिल की गहराई से तमाम की नौरिंग से कुल मखलूकात पर उसी के कवानी अहकाम उसूल और जवाबी नाफिज होते हैं, लागू होते हैं। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना, रसूल पर ईमान लाना, उसके प्यारे हबीब नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आखिरी बंदे, उसके बंदे और रसूल थे, उन पर मुकम्मल ईमान लेकर आना। उससे पहले जिस कदम भी अंबिया गुजरे उन सब पर भी ईमान लेकर आना, लेकिन आखिरी हुज्जत जिनको बनाया था अब तक आने वाले लोगों के लिए, उनको अपना मावा मजा तसव्वुर कर लेना, उन्हीं की एकात और समझदारी के अंदर, उन्हीं की रहनुमाई के अंदर अपने हर अमल को करने की कोशिशें करना, यह रसूल पर ईमान लेना कि वो अल्लाह के रसूल उसके बंदे ही हैं, वो बशर ही हैं, नूर में नूर इल्ला नहीं है, गैब का इल्म रखने वाले नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के बराबर नहीं है, नहीं वो भी उसी के बंदे ही हैं। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको और बड़ी फजीलत अता फरमाई, तो उनको आखिरी नबी बनाया, आखिरी किताब उनको नाजिल फरमाई, और क़यामत तक आने वालों के लिए हुज्जत उन पर कायम कर दी। यह अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लेकर आना सबसे बेहतरीन अमल। फिर पूछा गया कि उसके बाद कौन सा दूसरा अमल, तो फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह तआला के आला के रास्ते में जिहाद करना, कुतार करना, जिदाल करना, इलाही के मतलब की खातिर अल्लाह तबारक व तआला के खुशनूदी के लिए, उसके रजा हासिल करने की खातिर, उससे बगावत करने वालों, उसकी नाफरमानियों
کے میدان کارزار میں جب وہ جدال کا معاملہ اختیار کرنا, جدال کرنا, اور ایک ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا, اس کی بھی بڑی فضیلت. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی پاک کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعۃ اللہ. مجاہد وہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے نام پر. کہ مولا کا حکم کچھ ہے اور میرا نفس کچھ اور کہہ رہا ہے, تو اب میں نے اپنے نفس کو یہاں پر روک کر رب کی اطاعت میں اس کو لگا کر رکھنا ہے, یہ جہاد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے, نوافل کی ادائیگی کرتے رہنا ہے, صدقات و خیرات کرتے رہنا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرنا ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری اور لحاظ رکھنا ہے. لیکن میرا نفس اس کے پر خلاف نہیں ہو جا رہا ہے, تو وہیں پر اس نفس کو کچل کر, اس کو دبا کر, اس پر کنٹرول کرتے ہوئے اس رب الہی, اس مولا کریم کی اطاعت و فرمانبرداری میں ان تمام معاملات کو بجا لاتے رہنا ہی تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا, پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا سب سے بہترین عمل ہے, تو فرمایا حج مقبول. کہ ایسا حج جو مقبول ہو جائے, جو مقبول ہو جائے, جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچ جائے. تو یہاں پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہر حاجی کا حج ضروری نہیں ہے کہ مقبول ہو جائے, ورنہ صرف حج کہہ دیا جاتا. حج مقبول کہے گا جس کی تشریح میں اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ حج ہے جو حج مقبول ہو جائے اللہ کے ہاں, یعنی جو حج کی ساری شرائط ہیں, سارے ضوابط ہیں, جو اصول بتائے گئے ہیں ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے, ان پر پابند رہتے ہوئے, اس حج کے احکامات کی وجہ آوری کے ساتھ ایک بندہ گھر سے نکل کر سارے مناسب کو ادا کرتے ہوئے گھر واپس آ جائے, جس میں کوئی چیز کو خشوع نہ کیا ہو, نفس نہ کیا ہو, کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو, برائیوں کو انجام نہ دیا ہو, حرام سے بچتا رہا ہو, حرام کمائی سے بھی بچا ہو, یہ بھی بہت اہم ہے. حالانکہ آج کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو حقوق العباد کی پامالی کر کے صلہ رحمیوں کو توڑ کر, پتہ رحمیاں کر کے, ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافیاں کر کے, ایک دوسرے کا مال حرام کر کے, بیجا اپنے کھاتوں میں جمع کر کے ایک دوسرے کے حصوں کے حصوں کو دبا کر, اور پھر اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں حصہ لینے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ وہ حج کی طرف بھی روانگی اختیار کر لیتے ہیں اسی مال و دولت کے ذریعے سے. ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے جو مسلسل اس کو بددعائیں دیتا رہتا ہے, جو مسلسل اس کو بددعائیں دیتا رہتا ہے. تمامی اوسط کی بالکل صحیح ترین روایت ہے, اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص سواری پر سوار ہو کر حج کے لیے نکل پڑتا ہے اور لبیک پکار لیتا ہے, پہلی لبیک پکارنے کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے ایک فرشتہ جو مقرر ہے اس کی آواز آتی رہتی ہے کہ حاجی تیرا حج مبارک ہو, اللہ تعالیٰ تیرے اس تمام ارکان کو قبول فرمائے, تجھے اور زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے, اس لیے کہ تیرا کمائی, تیرا خرچہ حلال, تیری سواری حلال, تیرا کوشہ سفر حلال, اللہ رب العالمین تجھے اور زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور تیرا حج مقبول فرمائے. اور اسی کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے, پہلی لبیک پکارتا ہے, اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے مقرر کیا ہوا فرشتہ آواز لگاتا رہتا ہے, اعلان کرتا رہتا ہے کہ حاجی تیرا حج مقبول نہ ہو, اگر
रहमत इलाही तुझको अपने साए में ना झांपे, तुझे और ज्यादा नेकियों की तौफीक इस सफर में ना हो, इसलिए कि तेरा सफर हज का तोशा हराम से, तेरी कमाई और खर्चा उसमें हराम, तेरी सवारी उसके अंदर हराम शामिल, तेरा हज ना मकबूल हो, तो इसी तरीके से ना मुराद लौट आए। तो जो सबसे पहला अमल है मेरे आज इस बेहतरीन और अहम तरीन फरीजे की अदायगी के लिए कोशिशें करने की खातिर, तो वो सबसे अहम है हलाल कमाई करना। वो अगर नहीं है मेरे भाई तो सब कुछ बेकार है। तो ये पहला कदम ही, पहली बुनियाद ही अगर हमारी डामाडोल हो गई, कमजोर पड़ गई, तो उस तमाम फरीजे, वो तमाम मनासिब, वो तमाम अहकाम, वो तमाम अमाल और नेकियां कि इतनी थकन, इतना माल असबाब खर्च करने के बाद, इतनी तकल्लु और मेहनत मशक्कत करने के बाद जिस फरीजे को अदा करने के लिए बंदा जा रहा है वही कबूल ना हो तो हासिल क्या? कुछ भी नहीं। आखिर क्यों फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कोई शख्स बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो कोई शख्स भी हज को इस तरीके से अदा करे कि उसके तमाम शराइत को महफूज रखकर उसकी वजह आवरी करे, उसको अदा करने की कोशिश करे, तो वो वापस इस हाल में लौटता है, अपने गुनाहों से ऐसा पाक साफ हो जाता है कि जिस तरीके से आज ही उसकी माँ ने उसको जन्म हुआ। अब वो किस तरीके से उसके गुनाह माफ होते हैं? जो शराइत है उन शराइत को तो लिहाज रख नहीं, जो जवाबित है, जो मामलात हैं उनको तो महफूज रख नहीं है, लेकिन आखिर क्या मामला ऐसे हैं कि जिसकी वजह से एक बंदे के सारे गुनाह एक एक अरकान एक एक रुकन की अदायगी के साथ साथ मिटते चले जाते हैं? सबसे पहली बात क्या है? उसके अंदर तकवा। ये क्या फरमाया? ये बेहतरीन ज़ातेरा है। حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص
सब अच्छे नाम से जानते हैं, तो अब्दुल्ला नहीं बल्कि इनके वालिद अम्र बिन आस, सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अम्र बिन आस आखिर वक्त में सख्त बीमार हो गए, बचने की उम्मीद नहीं है, सहाबा का बीमार उसी के लिए पहुंचे, हर आबाद दरियाफ करने के लिए पहुंचे, उनको तसलियां देते रहे, बहुत देर तक तो रोते रहे अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, आखिर को याद कर करके अपने गुनाहों को याद करके जब तो जानन को याद कर करके आखिर के टाइम में सहाबा کرام के साथ गुफ्तगू करते करते वो बेपनाह होते रहे, बहुत देर तक रोते रहे, सहाबा کرام को तसलियां देते रहे, फिर उन्हीं तसलियों को हासिल कर करके जब कुछ इत्मीनान उनको नसीब हुआ तो भी फरमाने लगे कि अल्लाह के प्यारे हबीब नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक मरतबा पहुंचा इस हाल में कि जब मेरे दिल में इस्लाम की लौ जल चुकी थी, इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, मैं ईमान और इस्लाम की तरफ माइल होने लगा था, अभी मुकम्मल ईमान भी लेकर आया इस्लाम भी लाया, कबूल नहीं किया ईमान को अभी, लेकिन उसकी अच्छाइयां उसके खैर और भलाइयां उनको समझने लगे तो अल्लाह के विश्वास में पास हाजिर हो गए, दरिया पर उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि अल्लाह के विश्वास को अपना दाएं हाथ बढ़ाइए कि मैं बैठ कर लूं, ईमान लेकर आ जाओ, अल्लाह के विश्वास को दाएं हाथ बढ़ा लिया तो आपने हाथ खींच लिया, आपने अपना हाथ खींच लिया, अल्लाह के विश्वास को पूछने लगे अम्र बिन आस क्या हो गया तुम्हें क्या हुआ, देखिए मेरी ये शर्त है, मैं क्या शर्त है बताओ जी, मेरी शर्त ये है कि मेरे सारे पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे या नहीं होंगे ये बताइए, मेरे पिछले सारे गुनाह माफ होंगे या नहीं होंगे, अल्लाह के विश्वास को इशारा फरमाया कि अम्र बिन आस का तुम्हें नहीं मालूम, बल्कि अल इस्लाम यहदी मा काना कबला हु वल हिजरा तहदी मा काना कबला हा वल हज मबरूर यहदी मा काना कबला हु, ये क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम का कबूल करना मुकम्मल तरीके से ईमान में दाखिल हो जाना ये पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये खास अता है उस बंदे पर कि उसके पिछले जिस तरह भी गुनाह है वो सब के सब माफ कर दिए जाते हैं, सहाबा कराम जमाने जाहिलियत में कौन से ऐसे गुनाह कौन से ऐसे मामला उनसे रहनुमा नहीं हुआ करते थे, कौन से ऐसा जुल्म जो उनसे छुपा हुआ होता था, हर तरह के गुनाह हर तरह की नाफरमानियां जिसको फजूर कत्लोबाद गरी दुश्मनियों का निकालना एक दूसरे के साथ नाइंसाफियां करना जिंदा दरबोर कर देना अपनी बच्चियों को लूट लेना रास्ते में काफिलों को ये सारी बुराई उनके अंदर मौजूद थी, तो जब ईमान की इस्लाम की हलावत मिठास उसकी अच्छाइयां खैर भलाइयां महसूस करते हुए जब वो आए ईमान को तो पहले यही शर्त रखी क्यों उनको फिक्र हुई कि मेरे गुनाह का क्या होगा इस कदर मेरे गुनाह है उनका क्या होगा, पहली शर्त यह थी अल्लाह के विश्वास ने बशारत सुना दी कि भाई इस्लाम जो है सारे गुनाहों को माफ करना देता है, इसी तरीके से ही जो कि अल्लाह तबारक व तआला की खातिर एयाए करीमतुल्लाह के लिए अपने घरबार को छोड़ना अपने मालो असबाब को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर लेना ये भी पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है, यह अमल इसी तरीके से फरमाया कि हज मबरूर जिसने अदा कर लिया उसके पिछले सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए, एक और हदीस देखें सही में खुज़ैमा की रिवायत हजरत अब्द बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनका भी आखिरी वक्त बीमार होने के लिए सबसे पहले अपने औलाद को बुलाया उनको अपने सामने हाजिर करके उन सबको तल्कीन की अल्लाह का तक्वा इख्तियार करने की तल्कीन करी नमाजों की पाबंदी करने की तल्कीन फरमाई नेकियों की तरफ राजी रहते रहने की तल्कीन फरमाई अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करने की तल्कीन फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करते रहने की तल्कीन फरमाई और फिर उसके बाद फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था क्या सुना था मैंने सुना था कि जो शख्स मक्का से हज के लिए हज के तमाम अरकान को अदा करने के लिए पैदल रवाना हो और वापस हज मुकम्मल करके मक्का वापस आ जाए सारे अरकान को यानी अरफात जाना वहां मीना जाना मुज़दलिफा जाना वो सारे जो मामला थे उन तमाम अरकान को अदा करते हुए वापस पैदल मक्का वापस आ जाना ये ऐसा है कि हर कदम के बदले
700 नेकियां उसके अमल में की जाती है, हर कदम के बदले 700 नेकियां उसके नामा-ए-अमाल में दर्ज कर लिए याद कर दी जाती है, और हर नेकी हरम की नेकी के बराबर है। क्या फरमाया है हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह फरमाते हुए सुना कि हर कदम के बदले 700 नेकी और हर नेकी हरम की नेकी के बराबर है। फौरन पूछा गया, रियाद किया गया उनसे कि हरम की नेकी क्या है, फरमाया हर नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर। तो हर कदम के बदले 700 नेकी, उसको लाख से डिवाइड कर दीजिए, वो हर कदम के बदले उसका जो सवाब हासिल हो जाएगा। वो बादशाह कुल, वो शहनशाह कुल, उसके खजाना में कमी नहीं है, हमारे इखलास में कमी होती है, हमारी नीयतों में खोट हो पैदा हो जाता है। वो अल्लाह की रजा तो होनी चाहिए ना हमारे किसी भी अमल में, और इसी तरीके से खास तौर से इस हज की अदायगी के दौरान ये मकबूल होता है, ये नहीं पाया जाता है माशाल्लाह। ये अगर पूरी तरीके से एक बंदा एक हज के अंदर बेबस हो जाए तो मेरे अजीज अल्लाह तआला के खजानों में कभी नहीं है, वो एक ही कदम के बदले करीम। और यही अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, देखो सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, बिल्कुल सही तरीन रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन उमर, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो साथ ही साथ उनको ये भी फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ साथ एक घर भी उतार रहा हूं, और उस घर का चारों तरफ चक्कर उसी तरीके से लगाया जाएगा जिस तरीके से मेरे अर्श के चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है, उस घर के चारों तरफ इसी तरीके से नमाजें अदा की जाएंगी जिस तरीके से मेरे अर्श के चारों तरफ नमाजें अदा की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो घर खाना काबा भी उतार दिया, अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 1,000 हज करे, 1,000 मतलब हज करे, और सही में खुज़ैमा की रिवायत है हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कि हर मतलब हिंदुस्तान से गए और पैदल सफर करके गए, 1,000 हज करे, हर मतलब हिंदुस्तान से गए और पैदल गए, पैदल सवार होकर, किसी सवारी को इख्तियार नहीं किया। उसे हदीस में आगे फरमाया था कि उस शासक ने कि तमाम अंबिया उसका हज करते रहे यहां तक कि तूफान नूह आया, तो उस वक्त अल्लाह तआला को आया ने उस घर को आसमान में उठा लिया, उस खाना काबा को आसमान में उठा लिया, फिर यहां तक कि उसकी असल जगह उस तूफान नूह के बाद भी किसी को पता नहीं चली इसका असल मकाम कहां है, यहां तक कि अल्लाह तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो जगह बताई समझाई और उनको उस घर के बनाने का तामीर करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से मिलकर उस खाने काबा की तामीर फरमाई जिसमें जबल तूर भी शामिल है, तूर पहाड़ के जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया और मूसा कलीमुल्लाह बन गए, उस पहाड़ के पत्थर उस खाने काबे की तामीर में शामिल। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसरत के साथ जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सके इस फरीजे हज को अदा करते रहा करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म दे रहे कि जितनी जल्दी हो सके इस फरीजे हज को अदा करने की कोशिश करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए, क्या मालूम मौत आ जाए, क्या मालूम ऐसी मोहताजगी आ जाए, ऐसे अपाही बन जाए, ऐसी सब कुछ बीमारियां तकलीफ में मुबतला हो जाए कि हम सफरी करने के लायक ही ना रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर अदा किया है तो हम ये ना सोचे कि नहीं नहीं अभी तो कारोबार को चेक करना है, अभी तो फला काम को अंजाम देना है, नहीं अभी तो ये जरूरी काम है, इसमें रुकावटें पैदा हो जाएंगी अगर मैं सफर में चला गया तो मेरा बैंक बैलेंस खराब नहीं है, फर्ज हो गया तो फौरन उठ खड़े हो, फौरन उसके लिए तैयार हो जाओ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हम ये ना सोचते कि अभी जवानी की उम्र है, आखिरी उम्र में जाके देख लीजिए, 60 साल 60 के बाद जब पार हो जाएंगे
अपना हुक्म दिया कि जाइए अब मनासिक हज अदा कीजिए इससे पहले कि आपको कोई हादसा पेश आ जाए। उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म फरमाया देखो इससे पहले कि कोई हादसा तुम्हारे साथ हो ना हो जाए तुम फरीजा हज को अदा कर लो। अब उन्होंने मालूम नहीं क्या मेरे साथ कौन सा हादसा क्या हादसा पेश आ जाए फरमाया मौत मौत ना आ जाए तुम्हें मौत क्या चीज है तो तुम्हें नहीं मालूम बहुत जब तुम उसका मजा चक्कर आपस में एक दूसरे से कोई गलती हो जाए ना
देखना पसंद नहीं करते, वो रब्बे करीम की जिसकी नाफरमानियां है बंदा तीनों माफ कर रहा है, तीनों माफ कर रहा है, उसके बावजूद वो अपने हसान के साथ करता चला जा रहा है, अपने रहमत में खुशखबर करता चला जा रहा है, अपनी मौफियतें, अपनी रहमतें, अपनी इनायतें, अपना फजल करम, अपनी बरकतें की बारिशें करता चला जाता रहता है, मौके फराहम करता रहता है। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या जवाब दिया, उसके बारे में सुन लो कि तुम्हारी औलादों में से जो मुझे पहचानेगा, मुझ पर ईमान लेकर आएगा, मेरे रसूलों की तस्दीक करेगा, मेरी किताबों की तस्दीक करेगा, मैं उसे गुनाह माफ करूंगा। यानी हर चीज मशरूफ थे, बंदा इस हाम ख्याल में ना रहे, इस अजीब और गरीब किस्म की खुशफहमी में न रहे कि नहीं जी गुनाहों के इंतजाम कर तेरा हो, सूदी कारोबार में मुलव्वस हो तेरा हो, हराम कारियों में मुबतला रहो, हराम खाने इख्तियार करते रहो, हराम कमाइयां भी उसमें भी मुलव्वस रहो, और फिर उम्मीद वाबस्ता कर ले बंदा अल्लाह से, यदि अल्लाह को बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह तो बख्शनहार है, वो तो सारे गुनाह माफ फरमा देगा। ये माफी का मामला, दरगुजर का मामला भी मशरूत है, और किन चीजों के साथ मशरूत है, अल्लाह तआला को पहचानना, उस पर मुकम्मल तरीके से ईमान लेकर आना, उसके रसूलों की तस्दीक करना, उसकी सारी किताबों की तस्दीक करना, इन तमाम चीजों पर ईमान लेकर आता है बंदा, उसके मुताबिक और मुआफिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करता है, तब अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को वादा फरमाया कि ना उस वक्त में तुम्हारे औलादों के गुनाह माफ होंगे। इसी तरीके से जब वो तमाम हज को अदा करके लौटने लगी, जाने लगी, तभी उनको बशारत दे दी गई कि अब आपके सारे गुनाह माफ हो गए, और इस तरीके से जो करेगा आपके औलादों में उसके साथ भी ये मामला होगा। अब उसकी तफसील जरा देखें, तबरानी कबीर की सही सनद के साथ रिवायत, सही अपने शिबान के अंदर भी रिवायत मौजूद है, लंबी तवील रिवायत है, उसको बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं आप लोगों को बताऊं, वक्त कम है, बहुत ही इख्तिसार के साथ कि हर रुकन के बदले में किस किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अजर अजीम से नवाजता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम आए और हज के एक एक रुकन का जिक्र करते हुए दरियाफ्त करने लगे कि इसके बदले क्या सवाब, इसके बदले क्या अजर, इसके बदले क्या अजर, इसके बदले क्या अजर, वो तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, उसका जो जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, हम उसको और से ध्यान से सुनने की कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला के भरपूर खजानों में से किस तरह से अता करता है। आप भी अलैहि सलातो व सलाम इंशाल्लाह फरमाते हैं हज के इरादे से घर से निकलता है, हर कदम के बदले उसकी एक नेकी लिख दी जाती है, एक गुनाह माफ कर दिया जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और सही में खुज़ैमा की जो रिवायत अभी हमने अभी मालूम हुई तो उससे क्या पता चला कि हर कदम के बदले, हर नेकी के बदले एक लाख का अजर सवाब अता हो रहा है, यानी वहां पहुंचने के बाद। तो यहां से जब शुरुआत हो रही है, इसी तरीके से फरमाया कि जब तुम मक्का में पहुंच जाओ, तवाफ करने के बाद मकामी इब्राहिम पर तो औलादे इस्माइल में से एक गुलाम आजाद करने के बराबर अजर सवाब, सफा और मरवा के चक्कर लगाए तो 70 गुलामों के आजाद करने का अजर सवाब औलादे इस्माइल से। और ये चूंकि हरम के अंदर हो रहा है तो हर अमल का बदला 1 लाख के बराबर होता है, ये जहन में रहेगा। और फिर अंदाजा लगाए कि किस किस तरीके से रब की अदाएं हो रही है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, उसके बाद तुम दोपहर के बाद जब अराफात में पहुंचते हो तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नाज़िल होता है और तुमसे फरिश्तों का फख्र महसूस करता है। अल्लाह तबारक व तआला यानी ये अंदाजा लगाए कि वो हाजी किस कदर खुश नसीब है, कैसा उनका बुलंद तर मकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां कि वो मौला अपने उन बंदों से फरिश्तों पर फख्र महसूस करता है। क्या उनकी बात होगी, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उन नेक बंदों में शामिल फरमा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला फिर फरिश्तों को मुखातिब करके कहता है कि मेरे बंदे परागंदा हाल बर्द गुबार में अटे हुए लंबा सफर तय करके यहां हाजिर हुए हैं सिर्फ मेरी नेमतों की उम्मीद की वजह से, जन्नत के हुसूल
जाने के लिए, जहन्नम से बचने की खातिर मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना इन बंदों के गुनाह अगर रेत के कतरों के बराबर हो, अगर बारिश के कतरों के बराबर हो, अगर जमाने की दिनों की गिनती के बराबर हो, अगर आसमान के तारों की गिनती के बराबर हो, समुंदरों के झाग के बराबर हो, तो भी मैं इनके गुनाहों को माफ करूं। तुम गवाह हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जब हलक करवाते हो, बाल कटवाते हो, मुंडवाते हो, या तवाफ़े विदा करते हो, तवाफ़े इफ़ादा करते हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर नहीं होगा मामला मुकम्मल। तवाफ़े विदा करना जब वो अदा कर लेते हो तो तुम्हारे हर बाल के बदले एक गुनाह तुम्हारा झड़ता चला जाता है, यहाँ तक कि तुम इस तरीके से गुनाहों से बाल साफ हो जाते हो जैसे आज ही तुम्हारी माँ ने तुम्हें चुना। ये वही बात आ गई जो बुखारी मुस्लिम की रिवायत में शुरू में समझी, उसी के तालुक से वही बात भूल कर वहीं पर आ गई कि इस तरीके से वो तमाम गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। फिर आगे आपने साथ में ये भी फरमाया कि जब तुम हर शैतान को कंकरी मारते हो तो हर कंकरी के बदले तुम्हारा ऐसा कबीरा गुनाह माफ हो जाता है जो तुम्हें हलाकत तक पहुंचाने के लिए काफी था, यानी ऐसा कबीरा गुनाह जो तुम्हें जहन्नम तक पहुंचाने के लिए काफी था, हर कंकरी मारने के बदले इतना बड़ा बड़ा कबीरा गुनाह तुम्हारा माफ होता चला जाता है। और आखिरकार तुम ऐसे इस हाल को पहुंच जाते हो, फिर आखिर में एक फरिश्ता आता है अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ, तुम्हारे दोनों कंधों पर हाथ रखता है और तुम्हें खुशखबरी सुनाता है कि ए अल्लाह के बंदे, ए हाजी, तू गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो चुका है, अब तो खुशखबरी होगा अपने घर को। और साथ ही ये भी उसको खुशखबरी सुनाई जाती है कि अल्लाह तआला तेरी भी मगफिरत कर दी और उनकी भी मगफिरत कर दी जिनकी मगफिरत का सवाल तुमने रब्बुल आलमीन से किया। कहें उसे तो खाते की भी कुछ संकेत वाले अल्लाह के उस नाशुक क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह मगफिर लहाज वला मन इस्तगफर लहु हाज, क्या मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला हाज के लिए मगफिरत फरमाए और हाज जिसके लिए मगफिरत की दुआ करे उसको भी अल्लाह तआला माफ फरमाए। तो ये बड़ी खुशनसीबी है अदा करते रहें ताकि वो यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह मकबूल हो सके। आमीन या रब्बल आलमीन।